नमस्कार, कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका स्वागत है। आज मैं शिमला मिर्च पनीर और मटर की सब्जी ऐसे बनाकर आपको रेसिपी बताती हूँ। मैं पनीर, शिमला मिर्च, मटर की सब्जी आज बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं एक प्याज, एक टमाटर बड़ा काट लिए हूँ। वो छोटे छोटे पीस में टमाटर भी मैंने कर लिया, चॉप कर लिया, और प्याज भी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल अपने हिसाब से ही डालिए, ज्यादा या कम जितना आपको इच्छा हो। हम एक चम्मच, बड़ा चम्मच से डाली हूँ। थोड़ा सा जीरा, जीरा को चटकने देते हैं। अब इसमें एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटा इलायची, लौंग, तीन लौंग और काली मिर्च, एक काली मिर्च और एक तेजपत्ता का दो टुकड़ा करके मैंने डाल दिया। इसको सभी को फ्राई होने देते हैं, अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद मैं प्याज डालूंगी। अब अच्छे से चटक गया है, अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मैं, इसको कलर जब चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर पर, प्याज गल के थोड़ा कम हो जाएगी, उसके बाद हम टमाटर डालूंगी। देखिए प्याज कलर चेंज हो गया, ये ब्राउन भी हो गया थोड़ा। अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। थोड़ा देर मैं टमाटर को भूजूंगी, तब मसाला। अब इसे मैं ढक देती हूँ और मीडियम आंच में इसको अच्छे से भूनूंगी। हम इसे बीच बीच में ढक ढक के भूज रही हूँ। देखिए अच्छे से ये भून गई है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी छोटी चम्मच से, आधा चम्मच लाल मिर्च और गोलकी और जीरा, ये चौथाई चम्मच जीरा। इसे सब डालकर मैं अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी क्योंकि मसाला मेरा जल जाएगा। और इसमें मैं लहसुन और अदरक का थोड़ा पीस के रखी थी उसका पेस्ट डाल देती हूँ। अदरक का और लहसुन का, क्योंकि लाल मिर्च दिए इसीलिए। हरी मिर्च दो मैं डालूंगी सिर्फ, क्योंकि ज्यादा तीखा होने पर बच्चे नहीं खाएंगे। मिर्च अपने अनुसार ही दीजिए तो अच्छी बात है। अब इसमें मेरा फ्रिज का रखा हुआ मटर है, 6 महीने पहले जो रखी थी, वो मटर डाल देती हूँ। देखिए मेरा मटर भी अच्छे से भून गई है, मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं शिमला जो कट करके रखी हूँ उसे डालकर थोड़ा देर भून लेते हैं। क्योंकि थोड़ा शिमला पहले डालने से ना इसका कलर भी चला जाता है और क्रंची नहीं रहता है। नमक स्वाद अनुसार ही डालिए अपना हिसाब से, मैं नमक अब डाल देती हूँ। ये सब एक साथ अच्छे से, शिमला से भी थोड़ा पानी निकलेगा, इसको अभी भून लेते हैं, उसके बाद पानी डालकर पनीर डालूंगी। इसे मैं बार बार ढक कर इसको अच्छे से भून लिया मैंने।
देखिए अच्छे से भून गई है, कढ़ाई भी तेल छोड़ दिया चारों तरफ से, मिर्च भी शिमला मिर्च भी अच्छे से भून गया, मटर भी अच्छे से, मसाला भी। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, आपका जैसा मसाला बनाना है जो उतना ही पानी डालिए। और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, काहे कि थोड़ा देर पकेगा इसमें। अब इसमें मैं पनीर को डाल देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, आपको इच्छा हो तो दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए, हमारे पास था तो डाल दिए। और थोड़ा गरम मसाला, हम घर में ही गरम मसाला बनाए थे, सब सामान लेकर मिक्सी में लेकर पीसे, इसका रेसिपी मैंने डाल दी हूँ। ये बहुत 15 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाती है, कोई तामझाम नहीं, बहुत सरल तरीके से ये बन जाती है जल्दी फटाफट। ये 2 मिनट तक और मैं बॉईल करूंगी। मैं सब्जी को अब देख लेती हूँ, देखिए कितना अच्छा सब्जी बन के तैयार हो गया है। आपको जितना रस चाहिए झोल ऐसा बनाइए, हमको ऐसे ही चाहिए, थोड़ा सा गैस को बंद कर देती हूँ। और थोड़ा सा धनिया के पत्ता है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब मैं सब्जी को सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा सब्जी तैयार हो गया है, मैंने सर्व करके बताई। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। ओके।